रोटी और कविता। चाहिए दो रोटी और एक कविता, अपनी भूख मिटाने और उनकी आत्मा जगाने के लिए। डामर के गर्म रास्ते और रास्तों पर जाते ठंडे पे। कपड़े की गठरी और गठरी से चिल्लाती एक कविता कि यह कैसा महान दृश्य है, क्यों चल रहा मनुष्य है। प्लास्टिक की टूटी चप्पल और चप्पल से चीखता एक धर्म ग्रंथ, यदा यदा ही धर्मस्य। डामर के गर्म रास्तों पर कवि और उसकी कविता, ग्रंथ और उसका धर्म पिघले जा रहे हैं। एक आधी अधूरी मां चली जा रही है कंधों पे बैठाए उसे जिसे लोरियों से डर लगने लगा है। मां की लोरी का मतलब है कि आज भी रोटी नहीं है। तभी ठंडे पड़े चूल्हे से एक कविता का धुआं उठता है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। एक मजदूर जेब में हाथ डालता है, सुबह का बचा हुआ कुछ 3 बिस्कुट है। वो भूख का मजाक बनाता है और 5 लोगों में 3 बिस्कुट बांट देता है। अभी मीलों चलना है और न जाने कितनी बार जेब में हाथ डालकर कुछ खाने का नाटक करना है। तभी उसका नंगा पांव उसे एक चुटकुला सुनाता है, वीर तुम बढ़े चलो। रोटी और पेट की इस सोशल डिस्टेंसिंग से एक नई कविता निकलेगी, बेबस मां, रोते बच्चे और चलते हुए मजदूर की, और वो डामर की स्याही से लिखी जाएगी।